नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रू हन फॉर द पीपल बाय द पीपल। सालों से चल रहे महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट के चलते महाराष्ट्र नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों पर कर्नाटका के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में पत्थरों से अटैक किया गया। हम आपको बताते हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की शुरुआत हुई थी जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में स्टेट्स को लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन्स में डिवाइड किया गया, जहां महाराष्ट्र ने मांग करी थी 865 गांव की, जहां मैक्सिमम मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन को महाराष्ट्र के साथ मर्ज किया जाए, जिसमें बेलगावी, करवार और निपाणी जैसे डिस्ट्रिक्ट भी है। मगर कर्नाटका ने महाराष्ट्र को अपनी टेरिटरी का हिस्सा देने से अस्वीकार कर दिया। खबरों के अनुसार अक्टूबर 1966 में महाराष्ट्र की इन मांग को अस्वीकार करते हुए महाजन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिए कि 247 गांव, जिसमें बेलगावी भी आता है, उन्हें कर्नाटका में ही रहने दिया जाए और महाराष्ट्र में निपाणी, खानपुर और नंदागढ़ जैसे गांव को मिलाकर 264 गांव महाराष्ट्र में ट्रांसफर किए जाए। मगर कमीशन की इस रिपोर्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, क्योंकि उनका मानना था कि कमीशन ने उनके कंसर्न्स पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरी तरफ कर्नाटका ने इसी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए स्वीकारा, हालांकि सेंटर ने इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया। इसके बाद कई बार इस डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश की गई, मगर सुलझाया नहीं जा सका। और 2004 में महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, जिसमें क्लेम किया कि कर्नाटका के सभी मराठी बोलने वाले गांव को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाए। यह मुद्दा दोबारा खबरों में आया जब कई महाराष्ट्र की गाड़ियों पर कर्नाटका में हमला किया गया। इन सब पर महाराष्ट्र और कर्नाटका चीफ मिनिस्टर ने एग्री किया है कि पीस और लॉ एंड ऑर्डर को दोनों स्टेट्स में मेंटेन किया जाना चाहिए, और जहां बात है बॉर्डर डिस्प्यूट की तो उसका लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट में जारी है। यह थी जीविशा तोशनीवाल की रिपोर्ट द ट्रू हन चैनल के लिए।